हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये हमारे पास है वोल्टेज यानी जो टाटा वोल्टेज का रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि फ्रिज होता है उसकी अनबॉक्सिंग के बारे में ठीक है तो आज हमारे पास है ये टाटा वोल्टेज का एक नया रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज और इसकी करते हैं आज हम अनबॉक्सिंग तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली वीडियो पर तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को ये टैप वगैरह सब कुछ हटा लेना है तो यहाँ से मैं टैप हटा लेता हूँ उसके बाद ये गत्ते आप लोगों को करना है वाह यार कितना टॉप लग रहा है ठीक है नीले कलर में ये लग रहा है दोस्तों तो आप लोगों को भी इस प्रकार से इसकी अनबॉक्सिंग करनी है अगर मंगाना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन में आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं ठीक है तो दोस्तों बेहतरीन है एक लीटर का ये हमारा रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज है इसमें जो चारों तरफ दोस्तों अनबॉक्सिंग में गत्ते लगे हुए होते हैं तो उनको हम जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ ये यह गत्ता एकदम नीचे तक लगा हुआ होता है जिससे कि सेफ्टी भरा यानी कि एकदम सेफ्टी से किसी भी चीज़ में टकराए ना उस वजह से इसको जो गत्ते होते हैं वो एकदम नीचे साइड तक लगे हुए होते हैं यानी कि फ्रिज के बराबर ही इसमें गत्ते लगे हुए होते हैं ठीक है जितना बड़ा हमारा फ्रिज है उतने बड़े इसमें गत्ते हैं तो इस प्रकार से कोई भी इसमें नुकसान होने वाली तो दोस्तों बात ही नहीं है तो इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से इसको निकाल सकते हैं या वो कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक है अगर इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आप लोग तो तो दोस्तों इतने इतने बड़े इसमें गत्ते हैं ठीक है तो अब हम यहाँ से पन्नी वगैरह इसको ऊपर की साइड खींचते हैं तो पन्नी खींचने से पहले दोस्तों हम यहाँ गत्ता वगैरह निकाल लेते हैं ये जो हमारा अनबॉक्सिंग का गत्ता है इसको ऊपर की साइड को आप लोगों को उठा देना है ठीक है क्या करना है इस गत्ते को आप लोगों को ऊपर की साइड को ओपन करना है तो टाटा वोल्टेज का बीको हमारा जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर है एक सौ नवासी लीटर में इसको हम ऊपर के साइड को खींच देते हैं तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एकदम नीले कलर में यानी कि ब्लू कलर में आप लोगों को दिखाई देगा और आप खुद ही देख सकते हैं जो इसको डिजाइन किया गया है दोस्तों वो एकदम बेहतरीन तरीके से किया गया देख सकते हैं और इसकी क्वालिटी वगैरह यहाँ पर सब चीज़ दिखाई गई है पावर यानी कि वन स्टार दोस्तों ये जो फ्रिज है वो एकदम वन स्टार है और लुकिंग की बात करें तो यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से इसका लुक डिज़ाइन किया हुआ है पावर सेविंग गाइड जो भी है इसमें और इसमें सबसे ख़ास बात जो है दोस्तों वो ये है कि एक साल में पूरे अगर आपका एक साल ऑन रहता है तो दो यूनिट पर ईयर्स की जगह लेगा ठीक है यानी कि दो या, सौ यूनिट लेगा एक साल में सबसे जो इसकी खास बात है वो ये है और अंदर से इसकी क्वालिटी की दोस्तों बात करी जाए तो अंदर से अंदर से क्वालिटी तो आप बेहतरीन ही है खुद ही देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनबॉक्सिंग में इसकी क्या बेहतरीन क्वालिटी दिखाई गई है और अंदर से एकदम बेहतरीन ठीक है पूरा सामान है हर एक चीज़ इसमें दी गई है और फ्रिज भी एकदम जबरदस्त लग रहा है क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग है वो डिजाइनिंग एकदम उस बेहतरीन तरीके से की गई है कि आदमी को खुद से खुद टॉप लगने लगेगा ठीक है तो इसकी हम देखते हैं इसके अंदर कुछ कागज़ वगैरह पड़े हुए हैं गारंटी कार्ड वगैरह क्या गारंटी है क्या इसका बिल है ये सारी चीज़ें इसको हम अभी निकाल कर देखते हैं ठीक है थीके? तो आप लोगों को क्या करना वही आरामदायक चीज़ से किसी इस स्टैप को या तो काट लेना बीच में से या फिर इसको उधार लेना काटने से फ़ायदा है कि आप इसको चिपका हुआ होता है इसको छुटा लें तो ही बेहतर रहता है ठीक है तो मैं जल्दी जल्दी से यहां पर सारे टैप के टैप छोटा लेता हूं तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को एक एक करके सारे के सारे जो टैप वगैरह हैं वो आपको छुटा लेने और इस प्रकार से आगे की साइड इसको खींच लेना है और यहाँ पर दिया हुआ है इसका बिल वगैरह ठीक है तो देखते हैं इसकी ये है इस दोस्तों इसकी किताब जो कि इसको यूज करने के लिए दी गई है वार्निंग वगैरह भी इस पर दी गई है चाबी वगैरह इसमें दी गई है लोक वगैरह की टाटा वोल्टेज का ये फ्रीज है रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज तो दोस्तों यहाँ सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है इस फ्रिज के अंदर और ये है इसका गारंटी कार्ड यानी कि जो वॉल्यूम है ये सारी चीज़ें क्या करना है फ्रिज के अंदर क्या नहीं करना बाकी सब इस पर लिखा हुआ है ये और ये इसमें कागज़ वग़ैरह और दिया हुआ है यानी कि ये इसमें भी ये सारी चीज़ें रेफ्रिजरेटर के बारे में कूलिंग वगैरह के बारे में दी गई हैं कि, कि किस प्रकार से इसको खोलना है किस प्रकार से इसको रखना है ठीक है सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा इस प्रकार के अनबॉक्सिंग है और यहाँ सारे कागज़ निकले हुए हैं इसमें इसको अंदर के साइड द्वारा कर देते हैं अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं चारों तरफ से जो इसका डिजाइन है जो कलर है वो दोस्तों आप लोगों को भा सकता है पीछे की कंप्रेसर की बात करी जाए तो दोस्तों कंप्रेसर एकदम लीड बढ़िया से दिख रहा है उसमें जो गैस डलती है वो दोस्तों गैस दिखा रहे हैं आर एक ठीक है जो पंचिंग वगैरह दी गई है कहीं से भी लीक होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि कंपनी का पंच एकदम वेस्ट तरीके से इसमें दिया गया है और यहाँ पर जो लीड की बात की जाए तो लीड भी दोस्तों काफ़ी एकदम लंबी लीड है इसकी आप प्लग या सॉकेट में किसी प्रकार से लगा सकते हैं और इसके डिज़ाइन की तो बात ही नहीं की जा सकती क्योंकि डिज़ाइन ही इसका ऐसा किया गया है एकदम नीले कलर में और आगे का जो डिज़ाइन है दोस्तों उसकी तो बात ही अलग है कुछ यहाँ पर लोक वगैरह दिए गए हैं अच्छी तरीके से एकदम और देखो आप देख सकते हैं क्या डिज़ाइन है इसका और ब्लू कलर में तो बिल्कुल टॉप लग रहा था दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद